हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। और मैं आज बताना चाहती हूँ कि हमने पूरे 4 वीक्स कंप्लीट कर लिए हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के। एंड आई होप अगर आप मेरे साथ में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को स्टार्ट किए हो तो आप लोग एक बहुत अच्छे नोट पे हो गए। अभी एक पूरे 4 वीक कम्प्लीट हो गए हैं। तो चलो मैं बात करती हूँ अपने बारे में, थोड़ा सा थोड़े थोड़े अपडेट देती हूँ और आज के वीडियो में मैं क्या क्या मेन चीजें इंक्लूड करने वाली हूँ वो आपको बताती हूँ फटाफट से। तो देखिए, 4 वीक्स कंप्लीट हो गए। स्टार्टिंग के पहले वीक में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था चीजें, क्योंकि आप बाहर खाते हो, बाहर खाने की फूड ईटिंग पैटर्न जो आपकी हैबिट्स होती है वो बहुत ज्यादा मेरी तो खराब थी। तो उसको, मेरा जो पहले 2 वीक का गोल था वो यही था कि यार मैं उस पहले ईटिंग हैबिट्स को सुधारूंगी। उसके बाद मतलब मैंने ट्राई किया था, तो मैंने फर्स्ट वीक में टारगेट किया कि मैं बिल्कुल भी शुगर नहीं खाऊंगी, बाहर का फूड अवॉइड करूंगी, एंड आई वॉज सक्सेसफुल इन दैट। तो पहले 2 वीक पे मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन किया और मैंने बाकी अपने पुराने व्लॉग्स में आपसे बहुत सारी बातें शेयर भी की। 3rd वीक में, जो कि पिछला था, आपको पता था मुझे पैर में इंजरी हुआ था, तो इंजरी की वजह से मेरा ये था कि वेट लॉस नहीं हो पाया था। बट फिर मैंने इस वीक में, लास्ट वीक से इस वीक पे, पैर में तो इंजरी कंटिन्यू था, धीरे धीरे करके वो पेन रिड्यूस होने स्टार्ट हुआ। तो क्योंकि मैंने थोड़ा सा कार्डियो इंक्लूड किया धीरे धीरे करके, तो आई वॉज सक्सेसफुली एबल टू लूज 1.2 kgs इन द लास्ट वीक। तो अभी मैं इन टोटल 4 वीक्स में 4.1 kg लूज कर चुकी हूँ वेट। सो आई एम हैप्पी विद इट, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि एक मंथ में 4 किलो अगर मैं सोचती हूँ तो एक बहुत अच्छा रियलिस्टिक मतलब गोल था जो मैंने सेट किया था और जो मैंने अचीव किया। एक्चुअली मैंने 5 kg का ऑलमोस्ट सेट किया था, बट आई हैव स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम 3rd January। तो मैं 3rd February को अपना वेट करूंगी, मैं देखती हूँ शायद 5 किलो लूज कर लूं तो मैं बहुत खुश होंगी, और नहीं भी करती हूँ तो इट्स टोटली फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग गुड। मेरा क्या हुआ है कि वर्कआउट में स्ट्रेंथ का लेवल कुछ अलग ही हो गया है। मैंने मतलब इस वीक में 250 kg लेग प्रेस किया है, तो मतलब वो मेरे लिए अभी तक का बेस्ट था, क्योंकि मैं पहले जब 1 साल पहले भी वर्कआउट करती थी मेरी इंजरी से पहले, तो भी मैंने मैक्स 220 kg तक किया हुआ है। तो मैंने अभी कल जस्ट 250 kg किया, और वो भी मैंने 8 clean reps किए उसके। तो मैं वो वीडियो भी कहीं पे डालूंगी, आप लोग देखना। तो और कमेंट में बताना कि आप लोगों ने अपना लेग प्रेस कितना मैक्स किया है आज तक। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं पर्सनली बताऊं, मेरे लिए हमेशा से वेट नंबर्स में कम होने से ज्यादा मैं अगर इंटरनली हेल्दी फील कर रही हूँ तो वो मेरे लिए एक प्रेफरेंस था, तो जो कि मैं कर रही हूँ उस हिसाब से। एंड यस, मैं जरूर बोलूंगी कि मेरा जो प्रोटीन इनटेक है वो बहुत कट टू कट है। पिछले 1 महीने में मेरा प्रोटीन इनटेक एक भी दिन के लिए मिस नहीं हुआ है। इवन जब मुझे चोट लगी थी उस दिन में भी मैंने मेक श्योर किया था कि मेरी बॉडी में जितना मेरा दिन भर का प्रोटीन इनटेक है वो जाना ही जाना चाहिए। अगर मैं उसको फूड से नहीं पूरा कर पाई तो मैंने वे प्रोटीन लिया था। तो ये सारी चीजों का मैंने ध्यान रखा हुआ था, और मैं मतलब बहुत बहुत खुश हूं अपने रिजल्ट के साथ। आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक, और मैं प्रिपेयर हो गई हूँ अब नेक्स्ट वीक के लिए। तो ये सब अच्छा अपडेट है। एंड फाइनली इस वीक के जो वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने क्या किया था। पिछले वीक से स्टार्ट किया था कि मैं आपको धीरे धीरे करके वर्कआउट्स को कैसे करना है, उसका सही फॉर्म क्या, उसके बारे में बताऊंगी। तो मैं बस अभी भी इस वीक में मैं उसी पे फोकस करने वाली हूँ, और जो नेक्स्ट वीक होने वाला है उसमें मैंने अभी तक 3-4 हेल्दी डिशेस अपने पेज पे डाली थी, वो मैं अगले नेक्स्ट वीक के वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि ये वीक होने वाला है वर्कआउट पे फोकस, तो नेक्स्ट वीक होगा हमारा फूड पे और डिफरेंट डिफरेंट डिशेस पे फोकस्ड। तो वो वीक में मैं वो सारी चीजें आपको दिखाने वाली हूँ। इन टोटल एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अभी जो मेरा नेक्स्ट वीक का प्लान है वो ऐसा रहने वाला है कि कल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा ऑलमोस्ट 1700 कैलोरीज पे, ठीक है, जो कि मेरे BMR से 200 कैलोरी ऊपर है, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज का इंटेंसिटी भी बढ़ाया हुआ है, मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ, कार्डियो भी कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे मेरा मेंटेनेंस धीरे धीरे करके बढ़ाना है, तो उसके लिए मैंने अपने आप को 1700 कैलोरीज पे रखा हुआ है। उसके अलावा मैंने एक चीज और मेक श्योर की है कि मैं एक भी दाना इधर से उधर नहीं खाने वाली हूँ, तो वो चीज का भी मैं बहुत ध्यान रखूंगी। उसके अलावा मैंने टारगेट किया है कि नेक्स्ट वीक में मैं मिनिमम 13K स्टेप चलने ही वाली हूँ, 13 से 14K के बीच में। उसके अलावा आई एम गोइंग टू ड्रिंक एटलीस्ट 6 लीटर्स ऑफ वाटर। तो
मैंने पिछले 6 दिन में 3 से 4 दिन 6 लीटर पानी पिया, बट 2 दिन नहीं हो पाया। तो मेरा जो नेक्स्ट वीक का गोल होने वाला है वो फॉर श्योर ये होने वाला है कि हर एक सिंगल डे मैं 6 लीटर पानी पीने वाली हूँ एंड 400 ग्राम वेजीज खाने वाली हूँ। तो ये मेरे छोटे छोटे गोल्स हैं जो मैंने नेक्स्ट वीक के लिए सेट किए हुए हैं। अब ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, मैं आपको अपना वीडियो का सेकेंड पार्ट दिखाती हूँ जहाँ पे मैं आपके साथ वर्कआउट्स के सही फॉर्म और डूज शेयर करने वाली हूँ, तो वो आप गौर से देखिएगा। उसके बाद वी विल जस्ट टॉक अबाउट द टिप ऑफ द डे, तो लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। बॉडी पे मतलब क्या होता है, जब आप एकदम सुबह सुबह उठ के फ्रेश मूड से जाके वर्कआउट करते हो ना, तो आपकी बॉडी आपको साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट होता है कि यार मैंने आज वर्कआउट किया है, जो मैंने जिम में इतनी मेहनत की है ना, तो मैं खाऊं भी बहुत सोच समझ के। और क्या होता है ना, कई बार अगर आप जैसे वर्कआउट मिस कर देते हो तो फिर दिन भर आपको लगता है चलो आज वर्कआउट मिस कर दिया, कुछ तो भी खा लेते, फिर कल से वर्कआउट भी करूंगी और खाऊंगी भी डाइट में। तो ये एक सबसे बड़ा लॉस होता है और ये बहुत मेरे साथ तो ये होता है हमेशा। मेरा पिछले पुराने टाइम पे यही होता था, मैं वर्कआउट नहीं करती तो मैं सोचती थी आज खा लेती हूँ, कल से वर्कआउट भी करूंगी, कल से डाइट भी करूंगी, सब कुछ करूंगी। तो वो जो मेरा कल वाला फैक्टर था ना, वो तो बहुत ही बुरा था मेरे साथ। मैं उसी कल को अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं वही सोचती हूँ हमेशा कि नहीं, आज मैं जो करना है कल देखेंगे। जैसे मुझे चीट करने का मन करता है ना, तो मैं सोचती हूँ आज नहीं खाती हूँ, कल खाऊंगी। तो धीरे धीरे करके मैं ना वो कल को पुश करती जा रही हूँ। तो मैंने अदर वे अराउंड ढूंढ लिया है वो कल पे चीजें पुश करने का। अभी मैं नेगेटिव चीजें कल को पुश करती हूँ, पॉजिटिव चीजें आज करती हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने अपनी साइकोलॉजी में चेंज किया है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है, क्योंकि मैं अब यही सोचती हूँ हमेशा कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल खा लूंगी, कल चीट कर लूंगी, ऐसा वैसा करके। तो धीरे धीरे चीजें पुश होना स्टार्ट हो गई है। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि वर्कआउट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ में। तो हमेशा ध्यान रखो कि यार जैसे आपके लिए खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, समझ लो फोन पे बात करना जरूरी है, कुछ भी जरूरी है, उसी तरीके से वर्कआउट भी जरूरी है। इसको ये मत मानो कि कोई अलग से एक टास्क दिया गया है, ये मानो ये लाइफ का पार्ट है। जैसे सांस लेना, खाना और काम करना पार्ट होता है, उसी तरीके से एक्सरसाइज करना भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारी लाइफ का। ठीक है, ये कोई टास्क नहीं है कि अरे यार करना ही पड़ेगा, ये इनएविटेबल चीज है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसा माइंडसेट बनाना है हमको अपना।
तो इसी नोट पे मैं इस वीक का अपना वीडियो खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीक में मैं आपको थोड़ा सा फूड और क्या क्या चीजें मैं इंक्लूड करती हूँ डाइट में, थोड़ा सा उनका डिटेलिंग कैसे क्या क्या मैंने कुक किया ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीक के व्लॉग में जरूर मुझसे कनेक्ट करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो मेरा यहाँ पे या नीचे ऊपर कहीं पर मेंशन करूंगी अपना इंस्टा हैंडल का लिंक, वो जरूर से यार आप जाके सर्च करके उसको फॉलो करिएगा, क्योंकि वहां पे मैं एकदम डेली अपडेट्स देती हूँ। मैंने नाश्ते में क्या खाया, लंच में, डिनर में, एवरीथिंग, तो वो डेली अपडेट्स होता है। और यहाँ पे मैं वीकली देती हूँ, तो इफ यू वॉन्ट टू सी द डेली अपडेट्स, उसमें मैं क्या होता है नेक्स्ट डे का वर्कआउट एंड ये सारी चीजें भी शेयर करती हूँ, थोड़े मोटिवेशनल कोट्स भी शेयर करती हूँ, तो वो थोड़ा आपको ना आपके ट्रैक पे रखेंगे, तो आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। एंड इसी नोट पे आई एम फिनिशिंग माई वीडियो, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ। बाय बाय।